फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? किरण बेकिंग एंड कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाने वाले हैं फ्रेंड्स कलकत्ता का फेमस मुगलई पराठा। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। मुगलई पराठा बनाने के लिए फ्रेंड्स ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको लगेंगे। ये मैदा ले लिए हैं 1 बाउल फ्रेंड्स, वजन में देखेंगे तो 150 ग्राम है। और ये 3 अंडा, और ये टमाटर एकदम बारीक काट लिए हैं, ये गाजर बारीक काट लिए हैं, और ये प्याज, धनिया पत्ता, शिमला मिर्ची और हरी मिर्ची, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, नमक और तेल। मुगलई पराठा बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग डो तैयार कर लेंगे। ये मैदा 1 बड़े बाउल में ले लेंगे, और ये 1/2 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच तेल, और इन सभी में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फ्रेंड्स एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो को ज्यादा गीला भी नहीं बनाना है फ्रेंड्स, और टाइट भी नहीं रखना है। पराठे के लिए डो बनके तैयार है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल करके इसको सॉफ्ट बना लेंगे, और ये डो को ढक करके फ्रेंड्स रख देंगे 10 मिनट तक, और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब अंडे का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। 1 बाउल ले लेंगे, और इसमें अंडे को इस तरह से फोड़ करके डाल देंगे। अब इसमें ये प्याज बारीक काट लिए हैं, इसको दे देंगे। टमाटर, गाजर, शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और नमक अपने स्वाद के अनुसार, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। आपको इसमें जो भी सब्जी पसंद है फ्रेंड्स आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको गाजर शिमला मिर्ची पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए अच्छे से सबको मिक्स कर दिए हैं। चलिए अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। अब ये डो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है फ्रेंड्स, ये देखिए कितना स्मूथ है, ना गीला है ये ना टाइट है, ये देखिए ऐसा ही रहना चाहिए फ्रेंड्स डो। अब इसका एक बड़ा लोई ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को बड़ा बड़ा पराठा बनाना है फ्रेंड्स। छोटा अगर बनाएंगे तो स्टफ उसमें नहीं कर पाएंगे, इसके लिए एक बड़ा बड़ा गोली लेना पड़ेगा, ये देखिए। इसको इस तरह राउंड करके बेल लेंगे हम लोग, इस तरह चकले में, इस तरह मैदा थोड़ा छिड़क देंगे, और ये गोली को लेकर के इस तरह रोटी के जैसा, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा रोटी से पतला बनाना है। आप इसको जितना पतला बेल सकते हैं, थोड़ा और ऊपर से मैदा छिड़क देंगे ताकि एकदम पतले से इसको बेल पाए। मेरे पास चकला बड़ा था फ्रेंड्स, इसके लिए चकले पे बेल रहे हैं। अगर आपके पास छोटा चकला है तो आप नीचे भी बेल सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स इतना पतला बेलना है। अब ये रोटी पे ये जो मिक्सचर तैयार करके रखे हैं फ्रेंड्स, इसको चम्मच से ले करके इस तरह बीच में दे देंगे। ये देखिए ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट करना है फ्रेंड्स, इसको इस तरह पैक कर देंगे।
ताकि अंडे का जो मिक्सचर है वो बाहर नहीं जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, चारों साइड से इसको पैक कर देना है। और एक फोर्क ले करके इसको इस तरह से दबा देंगे ताकि निकले नहीं अंडे का मिक्सचर। अब गैस पे एक पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिए हैं फ्रेंड्स। अब इसमें इसको डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम लोग मीडियम पे ही रखेंगे फ्रेंड्स। इसको धीरे धीरे ही फ्राई करना है फ्रेंड्स, नहीं तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर अंडा कच्चा ही रह जाएगा। अब दूसरे साइड ब्राउन हो गया है, इसको पलट देंगे। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मेरे घर में डीप फ्राई कोई खाना नहीं चाहता है, इसके लिए मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ। अब दूसरे साइड भी पलट देते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा संभाल के कीजिए फ्रेंड्स, नहीं तो तेल ऊपर छिलक आएगा। और ये देखिए दोनों साइड से ब्राउन हो गया है। अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए दूसरा भी बना लेते हैं फ्रेंड्स। और अब मिक्सचर इसके बीच में रख देंगे। इस साइड से फोल्ड कर देंगे और अब दूसरे साइड से भी। ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करना है फ्रेंड्स। ये देखिए निकलना चालू हो जाता है अगर आप लेट करेंगे तो। और ये चारों साइड से दबा देंगे। और एक फोर्क ले करके इसको इस तरह से अच्छे से दबा देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, चारों साइड से एकदम ब्राउन कलर आ गया है। अब हम लोग निकाल लेंगे। और ये तीनों छक्के तैयार हो गया फ्रेंड्स, आइए प्लेटिंग कर लेते हैं। और ये फ्रेंड्स रेडी हो गया मुगलई पराठा, कितना टेस्टी दिख रहा है, एकदम क्रंची भी हुआ है फ्रेंड्स। आइए आपको एक पराठा कट करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी दिख रहा है।